दोस्तों लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर से P2P मोबाइल का वीडियो, और आप लोगों के लिए मैंने कुछ सैंपल निकलवा के लगवा दिए हैं। ये सभी हम खोलने वाले हैं, देखने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा मार्जिन क्या होने वाला है। दुकानदार मेरे भाई, कोई शॉपकीपर अगर जुड़ना चाहता है तो क्या रिस्क उठाने पड़ते हैं इस मोबाइल के साथ, और कितना प्रॉफिट में वो रह सकते हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पर भी बैठे हुए आप ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। कुछ और भी मैंने डिस्काउंट करवाया भैया से बोल के, और कुछ और सर्विस आपको दी गई हैं जिससे आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो वीडियो को आराम से देखना, लास्ट तक देखना, कोई भी आपका सवाल जवाब कोई भी चीज़ होती है कमेंट करके छोड़ देना, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा आपका। कोई भी सवाल है आपके, कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल बोलना चाहते हैं, कुछ भी आपका है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। बाकी मुझसे अगर डायरेक्टली भी बात करनी है तो मैंने दो सर्विस दी हुई है, इंस्टाग्राम और साथ में टेलीग्राम पे ओजे टेक्निक चैट विद रवि सागर मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। आप सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया रवि, जबरदस्त। तो लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, P2P की लाओ वीडियो, P2P की, मतलब एक एक दिन होता नहीं है 10,000 व्यूज आ रहे हैं। तो लोग आज जानना चाहते हैं कि डिटेल्स में बताओ क्या मार्जिन होने वाला है, क्या चीज़ है। तो आज का वीडियो थोड़ा नॉलेजबल भी होने वाला है, एजुकेशनल वीडियो पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। क्या है, कैसे है, कैसे इसमें पैसे आप कमा सकते हैं, नए डीलर के लिए, नए बंदे जिनके पास थोड़ा अमाउंट है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 2-3 लाख रुपए से एक दुकान शुरू करना चाहते हैं, महीने की 40-50 हज़ार की इनकम करना चाहते हैं, उनके लिए मेनली ये वीडियो है। बाकी जो ऑलरेडी होलसेल कर रहे हैं, जो डीलर हैं जिनको अभी तक डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता है, थर्ड पार्टी से लेते हैं, दूसरा उनके लिए वीडियो है मैक्सिमम मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे डायरेक्ट है, एड्रेस आप देख सकते हैं, मोबाइल बिज का ये हमारा दूसरा ऑफिस है। ये आपके लिए कुछ सैंपल मंगवाए हैं, 400-500 पीस ये कुछ सैंपल हैं जो हम खोलेंगे, और पीछे आपके सामने जो रखे हुए हैं ये सिर्फ आज के कुछ ऑर्डर हैं जो अभी तक ये ऑर्डर वाले हैं, मतलब काफी है माल की, तो कोई वो नहीं कटते सुबह से। अभी ये तकरीबन हम अभी बैठे हुए हैं 2 बजे, तो सुबह से हम कम से कम भी अभी 100-150 फोन बेच चुके हैं। अभी आपके लिए जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें इन्फॉर्मेशन क्या देने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे, कैसे ये प्रोडक्ट आता है, कहाँ से ये प्रोडक्ट आता है, कैसे इस प्रोडक्ट की प्राइस होती है, कैसे इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं इस बिजनेस में, और किस तरह से आप इससे पैसा कमा सकते हैं छोटा अमाउंट लगा के भी। और जो डीलर होलसेलर अब तक थर्ड पार्टी से लेते हुए आ रहे हैं उनको बार बार मैं बता रहा हूँ, डीलर डायरेक्ट आए बहुत ही अच्छे प्राइस में उनको प्रोडक्ट मिलेगा। होलसेल में आपको जितनी मर्जी क्वांटिटी चाहिए, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, जितनी मर्जी क्वांटिटी चाहिए वो सारी क्वांटिटी अवेलेबल है, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिलता है साउथ इंडिया में या कहीं भी, कोई भी आप डायरेक्ट चाहते हैं कि आपके नाम पे ऐसा एड्रेस आए, ऐसे डायरेक्ट अमेजोन आपके यहाँ पे डिलीवर करके जाए। अगर आपका बजट है 25-30 लाख रुपए के आसपास, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप बड़े डीलर हैं तो आपको हम डायरेक्ट चाइल्ड अकाउंट का भी ऑफर देते हैं, आप डायरेक्ट भी अपने घर पे मंगा सकते हैं, हमसे ना मंगवा के। छोटे ना बड़े होलसेलर भी बना देंगे, बड़े होलसेलर के लिए, ये छोटे जिनके पास 2-3 लाख से शुरू करना है, 30-40-50 हज़ार की इनकम करनी है, उनके लिए समझा देता हूँ कैसे आता है। और ये प्रोडक्ट अभी शुरू हम करेंगे, अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे कैसे कैसे ये प्रोडक्ट निकलते हैं, क्या क्या रिस्क हैं, साथ के साथ ही कवर करते चलेंगे। धीरे धीरे बीच में आपको बता प्राइस लिस्ट के साथ लेके आए हैं, देखिए प्राइस लिस्ट भी आपको एक थोड़ा सा जानकारी देने के लिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि किस तरह के प्राइस होते हैं, किस तरह से रिस्क होता है, किस तरह से रिस्क कवर कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, अब ये पोको X2 6600 का है P2P में, यानी कि ऐसे आता है जनरली, पोको X2 का मार्केट प्राइस 10,500 के आसपास है प्रेक्सो में ओके। इसके बाद अगर आपको हमसे कवर चाहिए, यानी कि आपको डर है कि कोई डैमेज टूटा फूटा या कुछ और ना निकल जाए या नेटवर्क का कोई इशू ना हो, यही दो मेजर चीजें होती हैं। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो प्राइस है वो देखेंगे आप, डिस्प्ले क्रैक नेटवर्क और मिसमैच का, ये प्राइस अगर आप 66 में 400 एक्स्ट्रा देते हैं, 7,000 में आपको पोको X2 मिल जाता है, मिल जाता है एकदम, जिसमें आपको कवर क्या हो जाता है, कवर हो जाता है आपका मिसमैच, आपका डैमेज और नेटवर्क। इसी तरह से और एग्जांपल आपको मैं एक दो वीडियो और देता हूँ, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट जैसे कि नोट 7 प्रो 5700 का है नोट 7 प्रो, अगर आप 400 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं 61 का आपको पड़ता है, इसमें आपका कवर हो जाता है डैमेज और नेटवर्क, यानी कि डैमेज और नेटवर्क कवर हो गया, आप उसमें मेजर प्रॉब्लम आपकी कवर होगी। अब उसमें रह क्या गया आपका, रह गया आपका स्पीकर रिंगर माइक, यानी कि अगर आपको बेसिक रिपेयरिंग आती है
तो आराम से एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। अदरवाइज यही नोट 7 प्रो आपके अभी जो सिंगल वीडियो सिंगल कस्टमर के लिए वीडियो आएगा उसमें अगर आप प्राइस देखेंगे तो 7,000 रुपए का, 7,000 रुपए तो 5,700 रुपए से सीधा हो गया 7,000 रुपए है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना मेजर गैप है। आप शुरू में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे 400 रुपए एक्स्ट्रा दे के आप ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा कम हो जाएगा इसमें, हाँ, थोड़ा नहीं बिल्कुल ऑलमोस्ट कम ही है, जीरो हो जाएगा। 100 से 200 रुपए का जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है वो आपका, वो भी हर किसी में नहीं आता, वो भी इसीलिए हम आपको कुछ 40-30 पीस ओपन करके दिखाएंगे कि कितना परसेंट आता है। 5 से 10% का रिस्क होता है। इनिशियली ये स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनिशियली ये स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपको लगे कि हाँ अब आप थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी में है तो आप ये 400 भी बचा के सीधा ये वाला प्रोडक्ट सीधा आप P2P ले सकते हैं। तो खोलते हैं, हम देखते हैं, बीच बीच में आपको फिर बताते रहेंगे, ओपन करते हैं। आपको बता देता हूँ एक चीज, इसमें हमारे पास 3 से 4 तरीके की पैकिंग आती है, ठीक है। पैकिंग व्हाइट कलर की भी आती है, कुछ इस तरह से भी होगी, कुछ इस तरीके की आती है और कुछ इस तरीके की भी आती है पैकिंग, ठीक है जी। ये देखो, कुछ इस तरीके की, 4 तरह की पैकिंग, 4 से 5 तरीके की आती है। देखो आप कलर, ये सारी अमेज़न की तरफ से सारी पैकिंग है, कोई हमारी कोई अलग से नहीं है, सारी अमेज़न। तो भैया जितना भी हमारे पास अभी स्टॉक है ये फ्लिपकार्ट का है या अमेज़न का? अमेज़न का है, अमेज़न का। तो आता कैसे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट वो होता है जो कस्टमर एक्सचेंज में लगाता है नया फोन खरीदने के लिए, तो घर पे जाके अमेज़न उससे उसका पुराना प्रोडक्ट उठाता है और वो आपको हमको भेजता है डायरेक्ट हमारे वेयरहाउस पे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट अमेज़न के साथ टाइप है। अब इसमें कुछ लोगों को ये भी डर रहता है कि कहीं ये प्रोडक्ट चोरी का तो नहीं है, कहीं इस प्रोडक्ट के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें हमारे पास पूरा प्रोडक्ट की डिटेल्स अवेलेबल होती है, इंक्लूडिंग कस्टमर की। आप देखेंगे तो कस्टमर का नाम, ये देखिए कहाँ से आया ये प्रोडक्ट, विमल महाजन ने भेजा है, हाउस नंबर 2400/12, ये गली, ये वाला आप देखेंगे अमृतसर, यानी कि कस्टमर की पूरी डिटेल हमारे पास होती है। साथ में इसका हमारे पास IMEI नंबर का रिकॉर्ड होता है हर फोन का। आप चाहे 10 साल बाद भी हमसे रिकॉर्ड मांगिए इस फोन का, जो हमसे खरीदा होगा वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। सारे प्रोडक्ट आपको GST के साथ मिलते हैं, किसी तरह का कोई चोरी का या किसी तरह का कोई प्रोडक्ट में कोई डर की जरूरत नहीं है। GST बिल मिलेगा, सब आपको जेन्युइन मिलेगा GST बिल के साथ, और सारा का सारा आपको पूरी डिटेल के साथ मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ले रहे हो तो आपको किसी भी तरह का कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर पॉसिबल है तो एड्रेस पे विजिट करें, एड्रेस बहुत ही इजी है, सेक्टर 31 फरीदाबाद में है मेन ऑफिस। बाकी हमारे 2-3 और ऑफिस हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है दिल्ली, ये बदरपुर में दिल्ली में हमारा ऑफिस है। यहाँ अगर आप विजिट करते हैं तो विजिट का एड्रेस जो है बहुत ही ईजी है, मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 31 में जो आता है मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन। फरीदाबाद के लिए जब आप मेट्रो लेंगे वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का वॉक इन है, पिलर नंबर 580 से आपको लेफ्ट लेना है, FMS स्कूल का बोर्ड आपको दिख जाएगा, FMS स्कूल के बिल्कुल पास ही है, हाउस नंबर 862 के सामने, सेकंड और थर्ड फ्लोर है, ऊपर एक टीन शेड है, तो 3,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। ये आप ऑफिस का भी एक आपको टूर कराएंगे, तो विजिट करके आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, COD की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन 50,000 से नीचे नीचे। अगर आप COD लेना चाहते हैं तो 500 से 1,000 रुपये आप एडवांस टोकन अगर देते हैं तो COD भी ले सकते हैं, पर कोशिश करें उसमें आपका कैश पिकअप चार्ज लगेगा। तो अगर प्रीपेड करते हैं तो कैश पिकअप चार्ज और कुरियर चार्ज आपके दोनों सेव हो जाते हैं, दोनों बच जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपको वीडियो कॉल पे, हम बहुत सारे कस्टमर हमारे जो जैसे असम में और बहुत सारी जगह जाता है, तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा ऐसे वीडियो कॉल पे ओपन कराते हैं। पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे, हाँ, लाइव किया था पिछले वाली वीडियो, लाइव में भी हम सीधा ओपन करते हैं बबल रैप करके प्रोडक्ट को, उसको दिखाते हैं किस तरह का प्रोडक्ट निकला है और कस्टमर के घर पे डायरेक्ट डिलीवर कराते हैं। उसके अलावा भी आपको चाहिए कि आपको ही ओपन करना है तो ऐसे के ऐसे जितनी जैसी भी पैकिंग आपकी जाएगी वो सारी अपना बॉक्स में डालेंगे और पैक करके भेज देंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे किस तरह का प्रोडक्ट आपको निकलता है, बीच बीच में और जानकारी देते रहेंगे। कमेंट में डालिए किस तरह के आपको कोई अगर कोई भी कंफ्यूजन है, जैसे हमारे पास एक ये फोन है, रेडमी का 6 है मॉडल। आपको ये और मैं बता देता हूँ कि हमने पेंसिल क्यों लिखा हुआ, क्योंकि इस पे मॉडल इसलिए नहीं लिखते हैं कि कल को कोई कुरियर बॉय इस प्रोडक्ट में कोई भी टेम्परिंग करने की कोशिश करे, इसलिए इस पे प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा होता है। इस पे हमारे पास जो ये स्कैन होता है एयरवे बिल नंबर से, हम अगर स्कैन करेंगे हमारे पास डेटा होता है, तो इस स्कैन नंबर से हमको पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। इसलिए हम इसको अपना पेन से लिख के रखते हैं, जैसे ये 6A है, ये Note 10S है, ये Realme XT है। अब कई बार क्या होता है, इस वाली मशीन से चेक हो जाता है ना ये? बिल्कुल, ये स्कैनर है, डेटा तो एक्सेल में होता है। अब जैसे कई बार क्या है कि अगर ये जैसे Note 10S है, तो अगर किसी कुरियर बॉय को जो 10,000 रुपए की जॉब करता है उसको पता चले कि इसमें Note 10 ऐसे 12-15 हज़ार रुपए का फोन, तो कई बार उसके मन में लालच आ जाए और फोन ही गायब कर दे।
इसलिए इसलिए स्टेप लिया है कंपनी ने कि वो क्या करती है, वो यही नहीं बताती कि इसके अंदर क्या है, क्या है। तो डायरेक्ट वहां से पिकअप होता है, डायरेक्ट मेरे वेयरहाउस पे डिलीवर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस कस्टमर का लिखा हुआ है ऊपर अपना, कारवा शाह। ये आप देखेंगे तो ये गुजरात से आया है ये पैकेट, और सीधा कहाँ पे आया है, दिल्ली। ये देखिए सारे प्रोडक्ट पे अलग अलग एड्रेस होगा, बहुत सारी अलग अलग जगह से पिकअप होके आया होगा। आप देखिए ये देखिए ये कहाँ से आया है, शाहबाद से आया है। ये आप देखेंगे तो ये आया है आपका पुणे से, ये पुणे से। ये आप देखेंगे अमृतसर से, ये देखिए ग्रेटर नोएडा से, ऐसे आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग जगह से। ये देखिए ये फिर अमृतसर से आया है, वडोदरा से आया है, दिल्ली से ही आया है। तो ये अलग अलग जगह से वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं, अपने वेयरहाउस में डालते हैं और वहाँ से इकट्ठा करके मेरे पास लेके आ जाते हैं डायरेक्ट अमेज़न से। ठीक है जी, तो एक स्टार्ट करते हैं। हम खोलते हैं पैकेट को, जैसे कि ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, मैं सिक्स से खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो किस तरह की कंडीशन निकलती है, सारी आपको जानकारी, क्या क्या डैमेज निकलता है, क्या ओके निकलता है, कितना 5-10% का थोड़ा बहुत, 10% का जो रिस्क है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पैनल का डैमेज होता है थोड़ा बहुत, क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है, स्क्रीन भी आ सकती है, स्क्रीन भी हो सकती है। आप देखिए किस तरह का निकलता है, आपको एक एवरेज अंदाजा लग जाएगा। आप क्वांटिटी करते हैं तो क्वांटिटी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए बिल्कुल ऑन फोन है, एकदम ओके फोन है, बिल्कुल आप देखेंगे कंडीशन। अब ये अगर आप ऐसे लेते हैं तो कुछ 2900 रुपये के आसपास है, अगर हम क्यूसी में बेचते हैं 3500 का है। ठीक है जी, ओके चलिए। तो एम आई का नोट 7 प्रो आप ये देख सकते हो, एम आई का नोट 7 प्रो है, 7 प्रो है। ठीक है, ये आपके सामने व्हाइट कलर की टेप लगी हुई है। अब ये नोट 7 प्रो का मैं आपको जैसे ही प्राइस बता रहा था कि 57 का है, ऐसे 400 में अगर आप कवर कराते हैं तो 61 का है ये, 61। और अगर क्यूसी ओके लेते हैं तो सीधा आपको पड़ता है 7000 का, 7000। और ये आप देखेंगे तो 99% ही ओके निकलेगा, यानी कि ये रेडी टू सेल है। देखिए अब जैसे ही मैंने डब्बा ओपन किया है, अब देखिए 128 GB है ये, बताओ 128 GB। अब जैसे ही 128 निकलेगा तो ये बिकेगा 8000 रुपये, यानी कि 5700 का प्रोडक्ट बिका कितने का, सीधा 8000 का सीधा। तो यानी कि जीबी पे हमारा कोई वो नहीं होता, वो है नहीं होता है कितना जीबी, जो भी जीबी निकलेगा वो आपका है, हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा जीबी निकला है तो आप एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, बिल्कुल। देखिए रेडी टू सेल फोन है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। तो ऐसा नहीं है कि सारे फोनों में प्रॉब्लम निकलती है, और ऐसा भी नहीं कि सारे फोन ओके निकलते हैं। ये देखिए 6 GB 128 GB है, 57 का ही आपको 6 GB 128 GB मिलता अगर आप ऐसे लेते। अब जैसे ये ओपन हो गया है, अभी 8000। मगर ये सिंगल कस्टमर के लिए नहीं है, सिंगल कस्टमर के लिए ये रिस्क है बहुत बड़ा। वो उसके सो सकता है कि 100 फोन में हमारा एक डैमेज हो, वही उस कस्टमर को मिल जाए, हमें भी नहीं पता किसमें क्या है, फिर बाद में कोई कहे कि यार ये वो लेना चाहे फिर रिस्क उठा सकता है, उसकी जो लेना चाहे तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, पर जनरली अवॉइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब रियलमी XT मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास है, इसको भी निकाल लेते हैं। जो का अंदर ऐसे पैकिंग थी, फिर आती है व्हाइट कलर की पूरी टेप अंदर से, चमकते हुए फोन निकलते हैं, बिल्कुल बेहतरीन फोन है। देखिए अब रियलमी XT, आपने अगर आप वीडियो हमारे फॉलो करते हैं तो 9500 रुपए का, 9500 का दे रहे हैं। ये कितने का इसमें P2P में आपका आता है 71 का, बताओ 7100 रुपए का, आई थिंक 72 का होगा या 71 का होगा, 7200 रुपए। अभी आप 400 और एक्स्ट्रा देते तो ये डैमेज और नेटवर्क से कवर कर लेते तो आपको फिर भी 75 का पड़ता, उसके बाद भी 9500 रुपए का कस्टमर लेने के लिए तैयार आराम से। ये देखिए बिल्कुल फोन देखिए क्या शानदार फोन है। तो आप देख सकते हैं 2000 रुपए आपको सीधा सीधा प्रॉफिट है, यानी कि अगर आप 1-2 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको आप 15 दिन में भी बेचते हैं, महीने में अगर 4 लाख रुपए का भी माल लेते हैं तो आराम से 15-20% का मार्जिन है। 20% का मार्जिन, 15% का मार्जिन इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 60,000। अब आप उसमें 10-20 हज़ार रुपए के अपने खर्चे लगा लीजिए, यानी कि 40-50 हज़ार तो आप बिल्कुल बेसिक जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट है। ये देखिए बिल्कुल ओके फोन, रेडी टू सेल। और ये सारा अनएडिटेड वीडियो आप देख रहे हैं, कहीं भी इसमें कुछ एडिट नहीं है, जो भी आपके सामने है किसी भी तरह का कोई भी एडिटिंग नहीं है इसमें। देखिए वीडियो में 128 GB, अभी 128 GB है तो ये ऑलमोस्ट 10,500 रुपये, 10,500 का हो गया, यानी कि 75 का भी अगर आप लेते तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। चलो फिर iPhone 5S दिखाते हैं। ये iPhone ये ऑडिट हो रखा है, टेलीट्रॉनिक्स करके कंपनी है जो ऑडिट करती है कि उसकी टेप लगी हुई है, ठीक है, अमेजोन के बिहाफ पे, ठीक है, जो लड़के चोरी करते हैं, जो कुछ करते हैं उनके लिए है कंपनी, यानी कि कंपनी ये देखना चाहती है कि कहीं कैसा किस तरह का प्रोडक्ट आपको रिसीव हो रहा है,
हमारी तरफ से। देखिए 5S, अब 5S आपको मिलता है ऐसे, अगर आप पैकेट में लेते हैं 2200 से 2300 रुपए का। ओके। और जैसे ही आप हमसे वीडियो में आप देखेंगे तो हमसे मंगवाते हैं तो ये आपको मिलता है 4500 रुपए का। अच्छा, इसमें दो तीन रिस्क होते हैं, जैसे ये तो बिल्कुल ओके, कई बार टच आई डी फेल आ सकता है या फिर कई बार आई क्लाउड आ सकता है, हालांकि देखो बहुत जनरली आता नहीं है। तो आप देखेंगे अगर क्वांटिटी में लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। आप देखेंगे ना ही इसमें आई क्लाउड है और इसका फिंगर आईडी भी बिल्कुल वर्किंग है। तो अभी आगे 2400-2500 रुपए का फोन है तो ये सीधा बिकता है 4500 का, 4.5 में, क्योंकि अभी ऑलरेडी रेडी फोन है। अगर इसका फिंगर फेल होता तो ये 35 का बिकता, और अगर ये डैमेज होता तो वही 1000-800 रुपए का। नेक्स्ट होने वाला भी हमारे पास, नेक्स्ट आ गया हमारे नोट 9 प्रो मैक्स, नोट 9 प्रो मैक्स हमारे पास, ठीक है, ये भी ऑडिट है, ठीक है, अभी दिखा देता हूं। यहां हम इसको चेक करते हैं, बिल्कुल बेहतरीन एकदम। और देखिए 128 GB भी, और इसके भी अभी तो पीछे के स्टिकर भी नहीं हटे हैं, स्टिकर भी नहीं हटे। अब ये ऐसे आपको पड़ता है 8300 का पैकेट में, अगर आप इसको 400 रुपए में कवर कराते तो 87। अब ये 128 GB है तो ये बिकेगा आपका 11500 ऑलमोस्ट 3000 रुपए का। 3000 अभी आपने देखे कितने सारे हमने खोले हैं, उन सभी में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार रुपए का सभी में मार्जिन है। अगर मैं 6 को हटा दूं तो 6 से आपको 500 से 600 रुपए देके जाएगा, क्योंकि छोटा फोन है। अदरवाइज आपका नोट 7 प्रो भी 128 है, 57 का है, 8000 का है, ऑलमोस्ट 2 से 2500 का मार्जिन है। देखिए 128 GB निकला है, पूरी सील्ड है, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, व्हाइट कलर की ऐसे टेढ़ी लग के आती है, ये देखो आपके सामने ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन प्रोडक्ट, लेटेस्ट फोन्स में लोग मांगते हैं कि लेटेस्ट दीजिए। ये देखिए, ये भी तकरीबन आपका पड़ता है 8800 या 8500 रुपए के आसपास, 8800 से 8500 का करीब ये पड़ता है। हाँ, और अगर आप ये देखिए बैटरी लो है, अदरवाइज आप देखिए बिल्कुल एकदम बेहतरीन फोन है। बेचने के लिए 10-10.5 हजार, कम से कम 10-10.5 हजार के आसपास बिकता है। अगर 64 होगा तो 128 होगा तो कम से कम 11500-12000। मैं आपको लगभग सारे एक एक करके पहले मॉडल दिखा दे रहा हूँ। देखो नोकिया का 6.1 ऐसा नहीं है, देखिए सारी पैकिंग आपको दिखा रहे हैं, कोई एडिट नहीं है इसमें, किसी भी तरह का कुछ नहीं है, कि जो है आपके सामने है। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा फोन भी अगर आएगा तो वो आप देखेंगे किस तरह के रिस्क होते हैं। अभी देखिए इनमें सिर्फ आपको बेसिक चीजें हमने भी चेक करी हैं, सिर्फ बेसिक। अभी हमको नहीं पता इसमें किसी में स्पीकर रिंगर माइक की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए हमने एक पूरा रिफर्बिश की टीम बिठाई हुई है जो पूरी तरह से इसको चेक करेगी, उसके बाद आपके सिंगल पीसेज वाले कस्टमर्स को या होलसेलर जो QCO के चाहिए उनको देते हैं प्रोडक्ट। देखिए जैसे कई बार ऐसे क्रोम हल्का सा ही डैमेज है, ये देखिए। अब ये 200 से 300 रुपए का खर्चा है, 4200 का है, 200-300 रुपए का खर्चा है, ये आराम से 5000 से 6000 के बीच में बिकता है। और एक भैया के हाथ में ये वाला 32, ये देखिए 32 5A, ये भी आपका 2200 से 2300 रुपए का है, 3000 रुपए का बिकता है, और ये 32 GB है तो ऑलमोस्ट 33-34 का बिकता है। 33-34 एक नोट 7 प्रो और खोलते हैं। अभी तक तकरीबन हमने आपके खोले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रोडक्ट खोले हैं। सिर्फ एक नोकिया की मैं बात करूं तो यहाँ डैमेज निकला है बस, ये निकला अब, ये देखो ये निकला है ना, ये देखिए ये प्रोडक्ट कस्टमर सिंगल पीस के लिए डैमेज, ये देखिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 128 ही, ये देखिए। लेकिन इसका जो बैक पैनल, सिर्फ बैक पैनल है। अब ये बैक पैनल का अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो हमारे पास की कॉस्टिंग मैक्सिमम मान लो 120-130 रुपए, 130 रुपए शॉप पे भी 200-300 रुपए में चेंज कर देते हैं, बिल्कुल ओके फोन है। फिर मैं बता रहा हूँ अभी हम सिर्फ आपके सामने खोल रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीजें चेक कर रहे हैं कि आपका डिस्प्ले डैमेज सही था सिंगल पर्सन को, कि अगर मान लो यही फोन उसके पास पहुंच जाता तो उसको इसका खर्चा उठाना पड़ता। इनका अभी QC चेक हो गया, यानी कि स्पीकर रिंगर माइक के बारे में अभी हमको नॉलेज नहीं है क्योंकि हमने अभी चेक नहीं करा, पर 90% हमको पता होता है कि ओके होगा, ओके ही होगा। किसी में एक दो में प्रॉब्लम हो सकती है, वो QC टीम हमारी चेक करेगी और फिर उसके बाद कस्टमर को भेजती है। तो ये देखिए सिर्फ बैक पैनल आपको इसका चेंज होगा और आपका ये प्रोडक्ट रेडी टू सेल है। अगेन 128 है तो 8000 रुपए का रेडी टू सेल है और सिर्फ आपको 200-300 रुपए का खर्चा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नोट 7 प्रो। तो एक आपको जैसे कि आपने देख ही लिया है कि ये किस तरह का प्रोडक्ट निकलता है। पैकिंग का फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, हर तरह की पैकिंग आती है, ये सारी पैकिंग अमेज़न की तरफ से ही है, इसमें हमारा या किसी पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। ये देखिए
सारे ऑन फोन होंगे। 64 GB है ये भी, ये आपका 7000 का बिकेगा अब ऑनलाइन, जैसे ये अब निकल गया है वैसे 57 का है, और अगर आप डैमेज और नेटवर्क चेक लेते हैं तो 61 का आपको पड़ता है। 61 का पड़ता है आपको ये, ये देखिए ये भी बस्ट कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक और नोकिया दिखाते हैं आपको, एक और नोकिया तो देखिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी, जो भी आपके मन में भी कोई सवाल आ रहे हैं आप सवाल पूछते रहिए, ताकि कमेंट करके बताते रहो दोस्तों, ताकि नेक्स्ट टाइम में वो भी ज्यादा टाइम हम ना लें, ज्यादा मतलब लंबा वीडियो ना करें। देखिए ऐसे कई बार ऐसे खुला आ जाता है प्रोडक्ट, जैसे ये पीछे से ये देख सकते हैं आप, है ना, चिपकाना होगा बस। तो कई बार क्या होता है कि बैटरी फूल जाती है उसकी वजह से, इस तरह से हाँ इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ये बिल्कुल बाकी प्रोडक्ट एकदम ओके है, किसी तरह की कोई दिक्कत। हमारे पास होने वाला है 5A तो सभी पे नाम जो ये हम लिखते हैं, ये ट्रैकिंग नंबर पर बता रहा हूँ, ट्रैकिंग नंबर से हमको पता चल जाता है कि तभी हम ये लिखते हैं। कंपनी क्यों नहीं लिख के देती है उसके पीछे का रीजन भी आपको बता दिया, क्लियर कर ही दिया हमने, जैसे कि यहाँ पे है ये 5A। ये देखिए सबसे ज़्यादा हॉट चलेंगे छोटे फ़ोनों में, 3,000-3,500 रुपये का जो कस्टमर मांगता है कि 3,000-3,500 में फ़ोन मिल जाए हमें, वो यही फ़ोन है 5A। रेडमी का है आप देख सकते हैं, ज़्यादातर फ़ोन आपको ऑन मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर से वो चेक होके आए होंगे, इसलिए ज़्यादातर फ़ोन आपको ऑन मिलेंगे। और एक ये हमारे पास यहाँ ये, ये भी कंडीशन देखिए बिल्कुल कंडीशन वही है जो 4,000-3,500 के रेंज में कस्टमर आपकी दुकान पे आके मांगता है, ये वही फ़ोन है। जबरदस्त। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ अब एक नोट 7 प्रो और दो नोट 7 प्रो खोल के दिखाते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा किस तरह से इतने फ़ोन अगर आप हमसे क्यूसी में लेते या किसी से भी मार्केट में आप क्यूसी में लेते उनका क्या प्राइस होता, उसका अप्रोक्स टोटल करके बताते हैं और कितना प्रॉफिट बताएंगे कि हमसे ही आप पहले कितना प्रॉफिट ले जा रहे हैं और फिर दुकान पर बेचेंगे तो आपको कितना और प्रॉफिट होने वाला है। ये देखो रेड कलर का है, कलर सारे मिक्स आते हैं, कलर का हमारे पास कई बार कस्टमर बोल देता जी हमको रेड कलर दे दो, ये देखिए कलर तो जो आएगा वो आएगा। अब देखिए क्यूसी में तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ और लगाते कुछ और खोल दो। तो अगर इसमें मान लीजिए जितनी क्वांटिटी ली जाए उसके हिसाब से कितने परसेंट मार्जिन वगैरह जो है वो होने वाला है, अभी मैं आपको टोटल करके बताने वाले हैं। अभी आज आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेगी। जैसे कि ये प्रोडक्ट का कभी ग्लास चेंज हुआ होगा तो अच्छी फिनिशिंग है, ये आप देख सकते हैं इसमें अंदर ये बबल है, अंदर बबल है ये, है ना। अभी ये देखो अभी नुकसान है, कस्टमर ने डैमेज टेप लगा के दिया हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह का डैमेज भी आता है, वही मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यही दिक्कत होते हैं छोटे छोटे बस और कुछ नहीं है। समझिए कि सिंगल कस्टमर ने अगर ये फोन मंगाया, ये भी वैसे 128 ही है, ये भी 128। अब देखिए जैसे सिंगल कस्टमर ने अगर ये फोन मंगाया तो उसके साथ ये वाला, उसके लिए देखिए कंडीशन थोड़ी सी उसको बहुत ही रफ होने वाली है, और जैसे कि ये बहुत काफी ज्यादा डैमेज है तो हो सकता है इसमें एक दो और भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सपोज स्पीकर रिंगर माइक के अलावा कैमरे की, ये देखिए बिल्कुल डैमेज है बैटरी की, है ना, इस तरह की मतलब उसने तो एक तरीके से आपको मैं धूली झोंक दी पीछे से कंडीशन तो की। इस तरह के जो रिस्क इस होते तरह के छोटे मोटे रिस्क उठाने पड़ते हैं दोस्तों, वो रिस्क जो होते हैं वही मैं आपको बार बार, इतना मार्जिन अगर एक फोन पे 1500-2000 रुपए बचा रहे हैं तो इतना तो रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ओके है फोन, देखो 99% फोन आपको ओके ही मिलेगा, बैटरी कम है बस। हाँ, तो मार्जिन वगैरह क्या होने वाला भैया, क्योंकि तो जैसे कि मैंने आपको दिखाए अभी तक अगर आप देखोगे तो दो फोन हमारे पास ये डैमेज आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10-12% का रिस्क होता है, तो अगर आप काउंट करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 है ना, तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का जो रिस्क मैंने आपको बताया वही आसपास का रिस्क है, यानी कि दो डैमेज आपको निकले हैं वो, हालांकि बैक पैनल है, हालांकि अभी हमने पूरा क्यूसी नहीं किया, स्पीकर रिंगर माइक कैमरा इस तरह की कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो प्रॉब्लम जितनी भी अगर होगी तो वो रिपेयरेबल होती है। अगर आपके पास एक छोटा रिपेयर का सेटअप है या खुद भी अगर कोई दुकानदार जानते हैं, बेसिक रिपेयरिंग भी अगर जानते हैं तो इजी है, ओके आप कर सकते हैं, उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया मिनिमम कितने स्टॉक में उठा सकता है कोई भी होलसेलर? देखिए मैं सजेस्ट ये करेंगे हम आपको कम से कम आप 5 से 10 पीस तो मिनिमम लें, कम से कम 10 पीस तो लें। हाँ,
आपका तकरीबन एक भी अगर ऐसा पीस आता है तो आपको 8 से 9 फोन जो है आपके वो रिकवर कर दें, साथ में किसी में स्पीकर रिंगर माइक का है। तो आप मान के चलिए अगर आप 10 फोन ले रहे हैं तो एक 500 से 1000 रुपए का आपको एवरेज कॉस्टिंग आपको आ सकती है रिपेयर में, क्योंकि आपका स्पीकर रिंगर माइक कुछ भी आप रिपेयर कराते हैं 150-200 रुपए का मैक्सिमम खर्चा आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 10 फोन है तो आपको एवरेज, आपको मैं बता रहा हूँ अगर इनमें मैं आंख बंद करके बोलूँ तो आपको एवरेज 2 से 2500 रुपए का मार्जिन है हर फोन पे। हर फोन पे अभी आपको दूसरा हमारा वीडियो आएगा सिंगल फोन जो सिंगल कस्टमर के प्राइस से आप उसके प्राइस से आप कंपैरिजन करिएगा आपको पता चलेगा। और वो तो हम दे रहे हैं ऐसा तो आप तो उससे भी ज्यादा महंगा सेल कर सकते हैं। आप ये देखिए कि उस पे भी कस्टमर इतने सारे आते हैं और ऑर्डर करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको 10,500 रुपए का रियलमी XT बेच रहा हूँ तो उसको लाइन लगा के कस्टमर परचेज कर, यानी कि अगर आप अपने उसके बाद भी कई बार कस्टमर ये खरीद के रीसेल करता है 10,500 का खरीद के भी, तो आप समझ के चलिए कि ये खरीदने के बाद भी कस्टमर मेरे को रीसेल के लिए, क्योंकि मैं तो ज्यादातर होलसेल में थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड करके रिटेल कस्टमर को देता हूँ दे देते हाँ। लेकिन कई बार कस्टमर इसके बाद भी जो प्राइस में देता हूँ उसके बाद भी कस्टमर इससे भी ऊपर बेचता है, यानी कि अपने एरिया में अगर आप बेचें तो ये आराम से आपको 12,000-13,000 रेंज में आराम से बिकेगा बिल्कुल। तो आप ये देखिए ऑन एन एवरेज आपको 1500 से 2000 रुपए का मार्जिन है, यानी कि 10 फोन अगर आप लेते हैं एवरेज, तो अगर आप 1500 की भी एवरेज मानो तो 15,000 में मान के चलिए आप 1500 से 2000 रुपए का मैक्सिमम खर्चा, यानी कि 12,000 से 13,000 रुपए का आपका मार्जिन। 10 फोन की अगर आप कॉस्टिंग मान के चलो तो 50,000 से 60,000 रुपए मैक्सिमम। तो आप ये देखिए अगर आप 1,00,000 से 1.5 लाख से शुरू करते हैं तो हफ्ते का आप ऑन एन एवरेज या 15 दिन में भी अगर आप 15 फोन बेच पा रहे हैं या 20 फोन बेच पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको जनरली 20,000 से 25,000 रुपए का मार्जिन है 15 दिन में, हफ्ते में, जो भी आप जितनी आपकी सेलिंग कैपेसिटी ऊपर हो, है ना। उसके बाद आप महीने का अगर उसको एवरेज लगाएंगे तो 50,000 से 60,000 आप आराम से कर सकते हैं इजीली। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं ताकि आप फोन करके जानकारी ना लें ज्यादा, और पता भी चले कि हाँ होता क्या चीज है, आपको पता हो पहले से कि प्रोडक्ट क्या है, क्या है और क्या प्रोडक्ट आपको खरीदने के लिए आप आए हुए हो, ताकि आपको नॉलेज हो और आप आके अपना भी और मेरा भी समय ना खराब करते हुए प्रोडक्ट में ध्यान दें और अपना सेलिंग के लिए पूरा दिन खराब ना हो हमारा भी। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप वैसे हमारे नंबर आपको फ्लैश होते रहेंगे, आप कॉल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही कि जिनको ये वीडियो समझ नहीं आ रहा है वो दोबारा देख के वीडियो को समझने की कोशिश करें, फोन करके समझने के लिए कोशिश ना करें, उसमें क्योंकि उसमें क्या होता है जो जेन्युइन डीलर होता है ना कई बार उसकी कॉल मिस हो जाती है। बिल्कुल, कई बार हमारी कॉल सारी होती है बहुत सारी और कई बार कस्टमर हमारे ऑफिस के आसपास होता है उनकी कॉल नहीं उठा पाते, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि दूसरे के भी बारे में सोचते हुए कि उसको भी प्रॉब्लम ना हो, वीडियो को दोबारा देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो वीडियो को समझो, कोई भी प्रॉब्लम है कोशिश हम करते हैं मैक्सिमम हिंदी में आपको बताने की, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की। और भी कुछ जानकारी चाहिए पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस ही नहीं है आपको जो समझाने के लिए। आपको कुछ सवाल होते हैं कि जी कहीं ये प्रोडक्ट कहीं फेक तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो प्राइस आपको बता रहे हैं वही प्राइस आप आइए, वही प्राइस आप लीजिए, आपको कोई 1 रुपए का भी एडिशनल एक्स्ट्रा नहीं होता है। फ़ोन पे भी आप ऑर्डर देंगे मेरे को नोट 7 प्रो 5 पीस P2P में चाहिए तो आपको वही 5700 का आपको बताया जाएगा, मतलब किसी भी तरह का जो प्राइस बताया है वो प्राइस आपका सेम है। वीडियो आपको दिखा दिया है, प्राइस लिस्ट दिखा दिया है, वहाँ पे पॉज करके आप प्राइस आराम से देख आराम सकते से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है आप लिख के भेज देते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपको बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज हमें डाल सकते हैं, ईमेल आईडी हमारी, मेल हमको कर सकते हैं, पर कोश हाँ अपना विजिटिंग कार्ड भेजिए, विजिटिंग कार्ड आप भेजेंगे तो हमको पता रहेगा कि ये डीलर है तो उससे हमको या शॉपकीपर है। अगर विजिटिंग कार्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम स्टॉक नहीं देते, आप ले सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं विजिटिंग कार्ड नहीं है, कोशिश करें विजिट करें, अगर विजिट करेंगे तो ज़्यादा ईजी आपके लिए रहेगा कि आप प्रोडक्ट देख के और जो आपके मन में सवाल हैं वो लेके, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे कस्टमर्स ऐसी कॉल्स करते हैं कि हम कई बार कॉल नहीं उठा पाते, आपको समय नहीं दे पाते, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, आप रात को कॉल कर देते हैं, कई बार बहुत मुश्किल होता है कि सारे सवालों के जवाब देना ओवर दी कॉल। बिल्कुल, तो विजिट करके लेंगे बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप व्हाट्सअप डालिए, कॉल करिए, समझिए वीडियो को, समझने के बाद ही कॉल करें, अननेसेसरी की कॉल्स ना करें। अनवांटेड कॉल्स की वजह से क्या होता है जो जेन्युइन जिसको करना है वो बिजनेस नहीं कर पाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, आप कम से कम उसके बिजनेस में रुकावट ना बने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सैंपल्स आपको खोल के दिखाए हैं, 4,000 से 5,000 प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल होता है P2P हमारे पास,
और कोशिश ये करें कि बहुत लेटेस्ट फोन इसमें नहीं आते हैं, आपको ये भी बता देता हूँ। कई बार लोग मांगते हैं कि जी हमको नोट 11 प्रो दे दो, आईफोन एक्स दे दो, आईफोन 12 दे दो, वो सब नहीं आता, थोड़े से ओल्ड मेजर। हाँ, मेजर आपको जो प्रोडक्ट आएंगे वो यही आएंगे जो 8,000 से 7,000, 6,000, 5,000, 4,000 की रेंज के होंगे, 8,000 से ऊपर का नहीं आएगा कोई भी प्रोडक्ट। तो इसलिए पी टू पी में वो ना मंगाए क्योंकि उतना बड़ा रिस्क होता है, रिस्क भी उतना बड़ा हो जाएगा बिल्कुल। कई बार कोई मिसमैच आ गया तो बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क होता है, इसलिए 6,000 से 7,000, 8,000 तक की रेंज के प्रोडक्ट होते हैं और दुकानों पे बिकते भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो हॉट सेलिंग होगा, जो बिकता होगा, वही प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं क्योंकि हम काफी टाइम से ये सब कर रहे हैं, छह साल से